एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था जीपीटी क्या होता है, ठीक है, तो वही जीपीटी मतलब या चैट जीपीटी किस पे वर्क करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे वर्क करता है। और जीपीटी की फुल फॉर्म थी हमारी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर एक तो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग देखेंगे और ट्रांसफॉर्मर क्या होता है उसको और डिटेल में समझेंगे, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये खोल के रख रखा है चैट जीपीटी, ठीक है, जैसे मैंने इसे कुछ भी पूछा, जैसे ये एग्जांपल्स भी काफ़ी सारे दे रहा है कि क्या क्या हम उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इससे यही पूछ रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मर क्या चीज़ है, ठीक है, एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर जो कि यूज हो रहा है हमारा जीपीटी के अंदर, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है वो मैंने क्या दिया है, इसको प्रॉम्प्ट दिया है। प्रॉम्प्ट मतलब मैंने इसको कुछ बोला है, मैंने कुछ इसको इनपुट दिया है, कुछ इससे क्वेरी पूछी है, ठीक है। अब ये जो जनरेट हो रहा है, रिस्पॉन्स जनरेट जो हो रहा है, वो रिस्पॉन्स कौन जनरेट कर रहा है, ये है चैटबॉट, ठीक है। मतलब इसमें क्या यूज़ हो रहा है, जनरेटिव एआई यूज़ हो रहा है, मतलब इसमें कोई ह्यूमन नहीं है जो कि रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, ये एआई के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, एक इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब हमने दिया प्रॉम्प्ट, हमने दिया इनपुट कह सकते हो, और ये फिर जनरेट कर रहा है कुछ रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो अब आप देख सकते हो ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। इस तरीके से आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, सबसे पहले यूज़र ने या आपने किसी ने भी, मतलब सबसे पहले आपने उसे क्वेरी दी या उसे आपने कुछ पूछा, ठीक है, वो उस क्वेरी को पहले समझ रहा है, ठीक है, पहले उसको समझेगा, उसके बाद उसे समझने के अकॉर्डिंग ही वो रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें यही दो पार्ट्स होते हैं NLP में या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्लस नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ठीक है, दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा कि यूज़र ने क्या बोला है, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे फिर वो जनरेट करेगा, ठीक है। अब जैसे और इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे चैटबॉट है उसमें दो चीज़ें हैं मेन जो ये अंडरस्टैंड करता है NLU के अंदर, वो होते हैं इंटेंट्स और एक होता है एंटिटीज, ठीक है। इंटेंट्स और एंटिटीज को ये फाइंड आउट करता है, उनको डिटरमाइन करता है, उसको इंटेंट्स को और एंटिटीज को समझने के बाद ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। तो तीन कॉम्पोनेंट्स आप कह सकते हो चैटबॉट के, इंटेंट्स, एंटिटीज एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने कुछ भी बोला, मतलब यूजर ने कुछ भी इसको पूछा, क्वेरी दी, ठीक है, इसने अंडरस्टैंड किया मशीन ने, इससे इसने एक्सट्रैक्ट किए इंटेंट्स, इंटेंट्स एंड एंटिटीज, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हुए, ये समझ जाना, ठीक है, ये एंटिटीज लिखा है, इंटेंट्स एंड एंटिटीज अंडरस्टैंड हुए, फिर उसके बाद कंटेंट जनरेट होगा, ठीक है। और ये जो कंटेंट जनरेट होगा, मतलब जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो मिलेगा यूजर को वापस, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग का, इंटेंट्स और एंटिटीज का, उसको बोलते हैं हम NLU। अब मेन बात ये आती है कि इंटेंट्स क्या होते हैं, एंटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो जनरेशन वाला पार्ट है उसको कहते हैं NLG, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लेती हूँ कि व्हाट आर द टाइमिंग्स, ये ऐसे ही एक एग्जांपल है, ठीक है, व्हाट आर द टाइमिंग्स फॉर दिल्ली स्टोर, ठीक है। अब देखो इसमें यूजर क्या पूछना चाह रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको इस सेंटेंस से, वो क्या पूछना चाह रहा है, टाइमिंग्स पूछ रहा है ना, ठीक है।
तो इसका इंटेंट क्या हो गया, टाइमिंग, इंटेंट का मतलब है उसका इंटेंशन क्या है या उसकी क्वेरी क्या है, वो क्या पूछना चाहता है, ठीक है। इसमें इंटेंट हो गया, टाइमिंग्स, और एंटिटी क्या होता है, एंटिटी होता है एक स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, जो हमने क्वेरी की है, जो यूजर ने क्वेरी की है उसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू। अब इसमें देखो कौन से स्टोर के बारे में टाइमिंग पूछ रहा है, दिल्ली के स्टोर के बारे में, तो दिल्ली क्या है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है ना, ठीक है। तो इसमें जो हमारा एंटिटी हो गया, एंटिटी हो गया हमारा लोकेशन, क्योंकि दिल्ली क्या है, एक लोकेशन, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही जैसे मैंने बोला या किसी भी यूजर ने बोला हाय गुड आफ्टरनून, ठीक है, तो ये क्या है, हाय गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सब क्या है, ग्रीटिंग्स है, ठीक है। तो इसमें इंटेंट क्या हो गया, ग्रीटिंग्स, समझ गए। अब इसमें एंटिटी कुछ भी नहीं है क्योंकि एक स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इंटेंट क्या होती है, एंटिटी क्या होती है। इंटेंट का मतलब यूजर का इंटेंशन क्या है या फिर यूजर क्या पूछना चाहता है, क्या क्वेरी है उसकी, और एंटिटी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक वैल्यू उसकी क्वेरी से, ठीक है। तो ये जीपीटी जो है वो वर्क करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे। उसके बाद हमारे पास आता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि जीपीटी के अंदर तीन वर्ड्स हैं, जेनरेटिव, प्री ट्रेन, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्मर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर एक डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर है, ठीक है, और इसका काम मेनली हमारा एनएलपी के टास्क करवाना ही है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क कराने के लिए ही ये ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। तो अब ये करता क्या है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस है हमारे पास, द कैट सैट ऑन द मैट, ठीक है, ये सेंटेंस है फॉर एग्जांपल हमारे पास। इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मर कैसे मतलब लेगा और कैसे इससे कंटेंट जनरेट कराएगा, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा इस सेंटेंस को लेने के बाद। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास, सबसे पहला स्टेप है इनपुट एनकोडिंग का, ठीक है। इनपुट एनकोडिंग में क्या होता है, सबसे पहले ये जो भी सेंटेंस है हमारे पास इस पर नंबरिंग होगी, ठीक है, नंबरिंग किस बेसिस पे होगी, पोजीशन के बेसिस पे। अब द की पोजीशन फर्स्ट है, कैट की सेकंड है, इस तरीके से हमने सबसे पहले नंबर्स प्रोवाइड कर दिए, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या है, हमने नंबर्स असाइन किए, ठीक है, और इसको हम इनपुट एनकोडिंग को हम एम्बेडिंग भी बोल देते हैं, एम्बेडिंग मतलब हमने इसमें सिर्फ नंबर्स असाइन किए हर एक वर्ड को बेस्ड ऑन द पोजीशन, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आता है सेल्फ अटेंशन का, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये बहुत एक मेन कॉन्सेप्ट है, अटेंशन। अटेंशन का मतलब ये है कि सिर्फ ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे ही फोकस करता है ज्यादा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि देखो द कैट सैट ऑन द मैट, ये हमारे पास सेंटेंस है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स या कीवर्ड्स आप कह सकते हो वो कौन से कौन से हैं, वो कौन से कौन से हैं, एक तो कैट है, एक सैट है, एक मैट है ना, ये तीन वर्ड्स हैं, यही मेन कीवर्ड्स है ना। अगर आप द हटा भी दोगे तब भी काम चल जाएगा, इन तीन वर्ड से भी हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। तो ये सेल्फ अटेंशन में क्या करता है, सेल्फ अटेंशन वाले स्टेप के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स रहते हैं उनको ये ले लेता है, और जो अनइम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको ये छोड़ देता है, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देता है। उसके बाद थर्ड स्टेप आया हमारे पास मल्टी हेड अटेंशन, ठीक है। मल्टी हेड अटेंशन में क्या होता है, अब कराना हमें अटेंशन ही है, अटेंशन मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे ही हमें फोकस कराना है, पर
इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत बार बहुत सारे राउंड्स हम अटेंशन के देते हैं, यानी कि अलग अलग एंगल से हम फाइंड आउट कराने की कोशिश करते हैं और अलग अलग तरीके से हम देखना चाहते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड्स हैं। ठीक है, मतलब अब क्या होगा, अब ये पूरा सेंटेंस नहीं लेगा, द कैट सैट ऑन द मैट, इसको पूरे को नहीं लेगा। जो सेकेंड स्टेप से हमारे को तीन कीवर्ड्स मिले हैं ना, कैट सैट और मैट, इन तीनों को ये लेगा सिर्फ, और फिर ये देखने की कोशिश करेगा कि जैसे कैट है हमारे पास, जो कैट हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, सैट क्या हमारे पास वर्ब है, इसी तरीके से मतलब कैट सैट मैट ये सब चीजें क्या है, ठीक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो ये सब ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा और फिर इनके बीच में रिलेशनशिप देखेगा कि जैसे कैट सब्जेक्ट है तो इसने क्या काम किया, ये बैठी, ठीक है, मतलब कैट और सैट में क्या रिलेशनशिप हो गया कि कैट बैठ गई। ठीक है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट नाउन के बीच में, मतलब अलग अलग जो भी इंग्लिश के अंदर हमारे पास होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब नाउन ऑब्जेक्ट, इन सब के बीच में रिलेशनशिप भी ये फाइंड करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो GPT है ये वर्क करता है हमारे लैंग्वेज मॉडल्स के बेस पे, मतलब लैंग्वेज मॉडल ही है एक तरीके का। लैंग्वेज मॉडल का मतलब यही है कि कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज समझना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करना। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में ये कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज समझ रहा है। ठीक है, तो ये थ्री स्टेप्स हो गए हमारे पास। सबसे पहले नंबरिंग करवाई, उसके बाद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे फोकस किया, उसके बाद उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स। ठीक है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का मतलब ये है कि अब न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर थोड़ा सा बता देती हूँ अभी के लिए कि न्यूरल नेटवर्क्स में क्या रहता है। हमारे पास एक इनपुट लेयर रहती है, कुछ हमारे पास हिडन लेयर्स रहती हैं, मिडल लेयर भी कह सकते हैं आप उसको, उसके बाद एक आउटपुट लेयर होती है। ठीक है, तो जो भी हमारा इनपुट होता है वो पहले जाता है इसमें इनपुट लेयर के अंदर, वहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग होती है मिडल लेयर्स के अंदर, उसके बाद उस प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जनरेट होता है आउटपुट लेयर से। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में हमारा यही है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स का मतलब है न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क से ये डेटा पास होता है और ये डेटा पास होने के बाद न्यूरल नेटवर्क में हम इसलिए पास करा रहे हैं जिससे कि जो भी ये स्ट्रक्चर है उसको ये समझ सके और फिर ये प्रिडिक्शंस करा सके। ठीक है, अब स्टेप नंबर फाइव होता है, स्टेप नंबर फाइव है, इसको थोड़ा और डिटेल में भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेजिडुअल कनेक्शंस। ठीक है, रेजिडुअल कनेक्शंस को भी अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, पर अभी के लिए ये समझ लो कि पहले हमने कराया फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स में, मतलब फीड फॉरवर्ड नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क में क्या रहता है, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेकेंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, ऐसे कर करके कनेक्टेड है ये। ठीक है, और रेजिडुअल कनेक्शन में क्या होता है, रेजिडुअल कनेक्शन में क्या होता है, एक स्पेसिफिक लेयर, जैसे ये है फर्स्ट लेयर, ये हमारी सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो इसमें कोई भी लेयर जो है आई प्लस एनथ लेयर, वो आईथ लेयर से कनेक्टेड डायरेक्टली होती है, जैसे मान लो इससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि ये जो फर्स्ट लेयर है वो थर्ड लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड वाली लेयर यहाँ स्किप हो गई ना। ठीक है, अब इसका क्या यूज है सेकेंड लेयर को स्किप कराने का, या जितने भी बीच में लेयर्स आ रही है उनको स्किप कराने का क्या यूज है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी के लिए यही समझ लो कि ये फिफ्थ स्टेप हमारा रेजिडुअल कनेक्शंस का है, जहां पर हम स्किप कनेक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप आता है हमारे पास
डिकोडर एंड एनकोडर मतलब होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर में डिकोडर और एनकोडर यूज होते हैं। और डिकोडर क्या करता है, नहीं पहले एनकोडर समझ लो। एनकोडर क्या करता है, सेंटेंस को एनालाइज करता है, उसके मीनिंग को समझता है। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास 5th स्टेप तक कराने के बाद, जो भी ये न्यूरल नेटवर्क से पास कराने के बाद, रेसिडुअल नेटवर्क से पास कराने के बाद, जो भी इसको सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप पता चला है, जो भी इसको समझ में आया है, ठीक है, उसको ये एनालाइज करेगा, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसने मीनिंग समझा एनकोडर ने। और डिकोडर ने क्या किया, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट दे रखा है कि ये वाला जो सेंटेंस है इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट है हमारा ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो डिकोडर क्या करेगा, उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो कंटेंट जनरेट करेगा। मतलब एनकोडर का काम हुआ हमारा, एनकोडर का काम हुआ मीनिंग समझने का, मीनिंग अंडरस्टैंड करना, और डिकोडर का काम हुआ जो हमने ट्रांसलेट करने के लिए उसको प्रॉम्प्ट दिया था ना, उस प्रॉम्प्ट पे ये काम करेगा। ठीक है, मतलब जैसे ट्रांसलेट जो हमने प्रॉम्प्ट दिया उसके हिसाब से। ठीक है, समझ आ गया। तो ये थे हमारे पास 6 स्टेप्स एक ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग के लिए। सबसे पहले नंबर्स लगते हैं हर एक वर्ड पे पोजीशन के बेसिस पे, फिर इम्पोर्टेंट वर्ड्स निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद उन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में रिलेशनशिप क्या है वो देखा जाता है, उसके बाद उनको न्यूरल नेटवर्क से पास कराया जाता है, फिर हम रेजिडुअल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं जहाँ पर स्किप कनेक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एनकोडर जो कि सेंटेंस का मीनिंग समझता है, और डिकोडर प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो चीज़ जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है ये समझ में आया होगा। तो अब इसको 4th और 5th स्टेप को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।